बचपन में हमने खजाने और तिलस्मी दरवाजों के खूब किस्से और कहानियाँ सुनी थी, लेकिन क्या कभी सोचा था कि ऐसे किस्सों और कहानियों का अनुभव हमें सच में लेने का मौका मिल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मध्य में स्थित है। विशाल किले की तरह दिखने वाला यह मंदिर भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफेद धोती और स्त्रियों को सफेद साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के अंदर कैमरा या फोटोग्राफी करने पर सख्त पाबंदी है, इसलिए इस मंदिर के भीतर के स्थानों के फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हो सके। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले कलयुग के प्रथम दिन हुआ था, लेकिन बाद में 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनर्निर्माण किया था। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले इस मंदिर में 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा मूल्य का खजाना मिला है। तो आखिर वो खजाना इतने दिन कहाँ था? तो ये खजाना मंदिर के केंद्र में स्थापित भगवान विष्णु जी के प्रतिमा के ठीक नीचे बने हुए गर्भगृह के तहखाने में था। दरअसल भारतीय गुप्तचर विभाग के एक पूर्वाधिकारी टीबी सुंदरराज ने हाईकोर्ट में मंदिर के संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए एक याचिका डाली। एक महीने के बाद हाईकोर्ट ने मंदिर के तहखानों के दरवाजों को खोलने के आदेश जारी किए। दरवाजों को खोलने के बाद 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य का खजाना मिला, जिसमें सोने की छड़ों और रत्न आभूषण से भरे 70 बोरे, 1000 किलो चावल के आकर के सोने के दाने, 130 किलो वजन के सोने के सिक्के, 18 फीट लंबे 1000 से ज्यादा सोने के हार, 3 सोने और हीरे जड़ित मुकुट, 10 किलो सोने के नेकलेस, 2-2 किलो वजन के 4 सोने के हार, 5000 करोड़ रुपए के सोने चांदी के बर्तन और 2-2 किलो की सैकड़ों छड़े शामिल थी। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,30,000 करोड़ आखा गया, परंतु यह खजाना सिर्फ 5 तहखानों के अंदर था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस 6 दरवाजों में एक दरवाजा इसलिए नहीं खोला गया था क्योंकि सर्वेक्षण करने वालों को दरवाजों के पीछे से पानी की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने ऐसा निष्कर्ष लगाया कि इस दरवाजे को सुरक्षा हेतु बनाया है। जैसे ही यह दरवाजा खुलेगा तो संपूर्ण गर्भगृह में पानी भर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा मंदिर टूटकर खंडर में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इतनी संपत्ति इन तहखानों में कैसे आई? तो लगभग 400 साल पहले यानी सन 1700 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक राजा मार्तंड वर्मा थे। उन्होंने अपने चाणक्य से त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग स्वादिष्ट मसाले, आयुर्वेदिक औषधियां और सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और सुवर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। इससे कुछ समय बाद ही राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी संपत्ति हो गई कि उसकी सुरक्षा के लिए उनको भय सताने लगा। फिर एक स्वप्न में आकर भगवान विष्णु जी ने इसका मार्ग सुझाया और इसी के चलते राजा मार्तंड ने इस पद्मनाभ मंदिर का पुनर्निर्माण करके अपनी सारी संपत्ति इन तहखानों में छुपाकर स्वयं को भगवान विष्णु जी का आजीवन सेवक घोषित कर दिया। इसलिए वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है। लेकिन 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहाँ की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा सरकार के ऊपर था।
और फिर से हाल ही में आई यानी जुलाई 2020 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मंदिर का संचालन फिर से त्रावणकोर शाही परिवार करेगा। तो दोस्तों, यह था केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर और इस मंदिर के तहखाने और इसके छठे दरवाजे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।